अगर आरक्षण की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हम यही चाहते हैं एक राष्ट्र हो एक जात हो, दिशा निर्देश है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूँ। आज हमारे ही बीच के साथी, वो कोई मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन उन्होंने उसी आरक्षण के बदौलत अपना आर्थिक हासिल किया, सम्मान हासिल किया और अपने को सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ाया। अब उनके साथ भेदभाव नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता आप जीतनराम मांझी जी को भी आरक्षण छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल। या तो नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जन बोल न्यूज। पिछले 1 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट आया है अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर के, आइए हम पटना के जो प्रखर अनुसूचित जाति के शोषित सामाजिक कार्यकर्ता हैं गजेंद्र मांझी जी, उनसे जानते हैं कि इस निर्णय पर उनका क्या राय है, क्या सोच है। गजेंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है जनबोल न्यूज में। पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के 7 बेंच के जज को स्वागत करता हूं कि क्रिमिनल और आरक्षण पर वर्गीकरण के सवाल में जो डिसीजन दिया है, उस संबंध में मेरी अपनी समझ है कि, और यह सोसाइटी में मांग भी थी कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के 2 वर्गों में विभाजन किया जाना चाहिए, क्योंकि विभाजन में बिहार में खास करके बात करूं तो यहां 22 अनुसूचित जातियां हैं, जो बहुत सारी जातियां हैं अनुसूचित जाति के, वो रिजर्वेशन से बहुत पीछे छूट गए हैं और कुछ जातियां हैं जो रिजर्वेशन से बहुत आगे हैं, तो उनको सोशल बैलेंस किया कैसे किया जाए, शायद यही सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल किसी जाति को निकालने की बात नहीं है, बल्कि उसी में जो सामाजिक रूप से बढ़ गए हैं, जो आरक्षण के बदौलत बढ़े हैं, उनको कहा जा रहा है कि थोड़ा ठहराव रखा जाए, और जिनके लिए अम्बेडकर ने सपना देखा था कि आरक्षण की ज़रूरत उनकी है जो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भेदभाव से प्रताड़ित हैं, तो उनके लिए आरक्षण के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने परिकल्पना की थी। आज हमारे ही बीच के साथी, वो कोई मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन उन्होंने उसी आरक्षण के बदौलत अपना आर्थिक हासिल किया, सम्मान हासिल किया और अपने को सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ाया। अब उनके साथ भेदभाव नहीं है, वह कोई स्वर्ण DM है या कोई स्वर्ण पदाधिकारी हैं, उनके बेटी के शादी में जा रहे हैं, उनके गृह प्रवेश में जा रहे हैं, वह टाई कोट पहने हुए हैं और उनके साथ गले से गले मिल रहे हैं और उनके साथ बैठ करके एक टेबल पर खा रहे हैं, तो भेदभाव तो गांवों में है। इसलिए इनको मेरी खुशी भी है कि अनुसूचित जाति के लोग अब मैंने गैर बराबरी मिटा करके कुछ लोग आगे बढ़े हैं, तो लेकिन अभी भी भेदभाव मौजूद है, जो गांवों में है उनको बच्चे के हक मिलना चाहिए, रिजर्वेशन का अधिकार मिलना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। मैं किसी को, किसी जाति विशेष को आरक्षण से बाहर करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो भेदभाव के शिकार हैं गांवों में, उनको बच्चे को कैसे जगह मिलेगी, इसलिए क्रिमिनल तो बिल्कुल ही लागू किया जाना चाहिए, एकदम यह जायज है, न्यायिक है, इसलिए मैं क्रिमिनल के पक्षधर हूँ। और जहाँ तक उप वर्गीकरण का मामला है, तो उप वर्गीकरण में कुछ जातियाँ एजुकेशन में भी छूट गई है, आर्थिक स्थिति में दयनीय स्थिति है, और दयनीय स्थिति के कारण ही उनके साथ भेदभाव है, तो उनको भी रिजर्वेशन के पॉलिसी के जरिए उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी बढ़ाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसे मैं स्वागत करता हूँ। गजेंद्र मांझी, तो क्या आपको नहीं लगता आप जीतनराम मांझी जी को भी आरक्षण छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल। या तो जीतनराम मांझी अब खुद को कहे हैं कि मुझे भी क्रिमिनल में रखा जाना चाहिए, और चिराग पासवान ने भी एक बार बोला था कि गैस सब्सिडी के तहत आरक्षण मुझे खुद छोड़ देना चाहिए, तो इन लोग को तो छोड़ना, क्रिमिनल लागू होने के बाद नौकरियों में तो छोड़ना पड़ेगा, राजनीतिक मामले में आगे की बात है, आगे भी हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हमारे सर साथ राजेश पासवान जी भी हैं, भागलपुर से हैं,
आपको क्या लग रहा है चिराग पासवान जी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं जनबोल न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे जो है देश के बारे में और राज्य के बारे में स्वागत किए, आमंत्रण किए हैं। चिराग पासवान को तो आरक्षण का लाभ छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि उनका खानदानी जो है राजनीतिक और आर्थिक प्रोग्रेस में है। और जहाँ तक बात रही कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन निकाले हैं ST SC आरक्षण क्रिमिलियर में, ये तो बहुत ही गंभीरता है। जहाँ नज़र आ रही है हमें कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि आज अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि क्रिमिलियर पे लिया जाए, वो तो अंबेडकर साहब ने खुद कर ही दिए हैं संविधान में। संविधान का मतलब ये होता है संविधान, सम जोड़ विधान, सबके लिए बराबर अधिकार है, और इसमें तो कहीं त्रुटि नहीं है। ये तो राजनीतिक हत्या है, जो समझ में मुझे आ रही है राजनीतिक हत्या है। ये हत्या इस रूप से है कि आप लोग जानते हैं कि आज क्रिमिलेयर लागू इसलिए किया गया कि जो छोटे छोटे जात है SC में, जो कमज़ोर है, शोषित है, आप बताइए कि आज क्रिमिलेयर में लिया जाएगा तो क्या उसका विकास हो सकता है? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसका रीढ़ टूटा हुआ है। अगर उसको लगता था सुप्रीम कोर्ट को कि ये करने से डेवलपमेंट होगा, तो मुझे कहीं नहीं लगता डेवलपमेंट होगा जाता है। ये तो शोषण हो रहा है, खुलेआम शोषण है। सभी लोग जानता है कि जैसे कि ये जो रजिस्टर तैयार होता है उसमें, जैसे कि अभी क्रिमिनल लाया जाएगा, क्योंकि उसमें अगर IAS का, IPS का, जस्टिस का जो वैकेंसी होगा, रिक्तियाँ होगी, उसमें फुलफिल नहीं हो सकता है, वो सीट खाली रह जाएगी। और जब सीट खाली रह जाएगी, सब लोग जानता है रोस्टर के माध्यम से कि वो रोस्टर पुनः परिवर्तित हो जाएगी जनरल में, वो जनरल उसका लाभ लेंगे, ना कि ये जो शोषित वंचित इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। आप बताइए कि कुछ वर्षों पहले बिहार में आरक्षण की बात की गई थी, जिसमें कि एक जाति को जोड़ा गया था, जिसमें से शेड्यूल ट्राइब ST, उसमें खरवार जाति जोड़ा गया था, और जो ओरिजिनल ST थे वो वंचित रह गए। आज खरवार उसका लाभ लेकर IAS, IPS, जस्टिस जो भी पदाधिकारी है वो लाभ ले रहे हैं। यही मार जो है आज सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट पे किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो है साजिश है। तो साथियों, जैसा कि आपने राजेश पासवान जी का वक्तव्य सुना, उससे पहले गजेंद्र मांझी जी का भी वक्तव्य सुना, आपको हमारा जो चर्चा है कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी बातों का। हाँ, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट की ये जो दिशा निर्देश हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग जो है जन आंदोलन करेंगे, भारत बंद करेंगे कि ये आपस लिया जाए। अगर आरक्षण की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हम यही चाहते हैं एक राष्ट्र हो, एक जात हो। जैसा कि राजेश जी कह रहे हैं कि ये इस आदेश को मानने वाले नहीं हैं, आगे देखते हैं कि क्या होगा। फिलहाल आप बोल न्यूज़ पे ये कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।